नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम दीक्षित। मेरे चैनल टेक टिप्स एंड ट्रिक्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक लेकर के आया हूं। टॉपिक क्या है, एक निजी जिंदगी से जुड़ा हुआ एक बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। उसके बारे में बहुत कुछ आपको बताऊंगा कि क्या ये चीज सही है कि नहीं। बहुत से लोगों को देखा होगा आपने दोस्तों, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं, उनके सपने कभी पूरे नहीं हो पाते। तो आज हमारा टॉपिक भी इसी से ही जुड़ा हुआ है कि सफलता इतनी आसानी से क्यों नहीं मिलती। ये दोस्तों आज का हमारा टॉपिक, और दोस्तों ये बहुत अच्छा टॉपिक है। और आज के इस टॉपिक को शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हो, मैं आपको बताता हूं कि क्या कौन से ऐसे बहुत से ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से सफलता हमको इतनी आसानी से नहीं मिल पाती और कई लोगों को मिल जाती है, आपने देखा होगा। देखिए दोस्तों, सबसे नीचे से शुरुआत करते हैं हम लोग सपने तो बहुत अच्छे देखते हैं, बहुत ज्यादा सपने देखते हैं। क्या उनमें से सारे सपने पूरे हो जाते हैं अपने? नहीं, क्योंकि जितने भी जो भी आपके सपने हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी सफलता के ऊपर ही जुड़े हुए हैं और किसी चीज से नहीं जुड़े हुए। जिंदगी में अगर आप बहुत अच्छी सफलता पाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर जो कमियां हैं वो कमियों को पहले आपको बाहर निकालना पड़ेगा। आपको खुद को पहचान करने पड़ेगी कि मेरे अंदर कौन कौन सी कमियां हैं। जिस भी दिन आपने इस चीज की पता कर लिया या जानकारी आपने हासिल करी कि मेरे अंदर इन इन चीजों की कमी है, मैं गारंटी देता हूं आपको सफलता बहुत ही आसानी से मिलेगी बिना किसी रुकावट के। बट प्रॉब्लम यही आती है कि हर किसी को नहीं पता ना कि उसके अंदर क्या डर है। अब भाई चंद, अगर आप इंटरव्यू देने के लिए जाए, आपसे ही पूछ लिया जाए कि आपके अंदर की 3 वीकनेस बताइए, तो मेरी गारंटी है आप 3 नहीं बता पाएंगे। बहुत से बहुत 1 बता देंगे या 2 बता देंगे, बहुत से बहुत, क्योंकि हर आदमी को अपनी वीकनेस के बारे में पता नहीं होता है। और हमारे अंदर की जो वीकनेस है ना, वो बाहर के लोग हमको जल्दी पहचान लेते हैं, ना कि हम पहचान पाते। क्यों? कि हर व्यक्ति अपने आप को यही समझता है कि मैं बहुत स्मार्ट हूं, बहुत इंटेलिजेंट हूं, दूसरों से राय क्यों लूं मैं, रहा चलते लोगों से किसी चीज के बारे में पूछे क्यों। एक अपने आप में हर एक चीज होती है, आदमी के अंदर एक अपना एक एटीट्यूड होता है, मैं किसी से नहीं पूछ सकता, जो चीज मालूम होगी मैं खुद ही उसको बारे में पता करूंगा, लेकिन मैं किसी से सलाह नहीं लूंगा, मिलूंगा नहीं, सोचूंगा नहीं। तो वो चीज है, सफलता इतनी आसानी से ही मिल जाती है और इतनी आसानी से क्यों नहीं मिलती है, दोनों बहुत बड़ी चीजें हैं दोस्तों। अगर आप सोचेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि सफलता इतनी आसानी से ही मिल जाती है और इतनी आसानी से क्यों नहीं मिलती। आपने भी आजकल देखा होगा बहुत से लड़के 6 महीने 2 साल में वर्क करने में बहुत अच्छा पैसा कमा लेते, बहुत अच्छा मान सम्मान कमा लेते, बहुत अच्छी एक पोजीशन पे पहुंच जाते। तो कहीं ना कहीं उनकी एक सोच थी अपने काम को लेकर के, अपना एक गोल उन्होंने सेट किया, अपना एक सफलता का एक मुकाम उन्होंने सेट किया कि मुझे यहां पहुंचना है, और उस हिसाब से उन्होंने मेहनत करना शुरू करी, उस हिसाब से उन्होंने सपने देखना शुरू करे, उस हिसाब से उन्होंने सपने को पूरा करने के लिए, अपनी सफलता को पाने के लिए स्ट्रेटजी बनाई, अपने गोल को अचीव करने के लिए उन्होंने अपना एक अलग से रास्ता बनाया। आपने भी देखा होगा 2 लड़के हैं जो बंसल, जो फ्लिपकार्ट के मालिक हैं, उन्होंने 2008 और 2009 से शुरुआत की थी किताबों को ऑनलाइन बेच करके। जब लोग उस समय पर खुद ऑनलाइन थे तो उस समय पर लोग किताबें क्या ऑनलाइन पढ़ते होंगे, लेकिन उन्होंने वो चीज सोची थी, नहीं सोची थी उन्होंने 4-5 साल के आगे की चीज सोची थी। और आपको शायद पता हो या नोटिस हो, आप चाहे तो गूगल पर सर्च कर सकते हैं, 2013 की जो दिवाली है उस पर जो फ्लिपकार्ट ने जो धमाका स्टार्ट किया है ना, वो शायद ही किसी ई कॉमर्स कंपनी ने नहीं किया। तो कहीं ना कहीं उनकी ये सोच थी, उस टाइम पर उन्होंने अपनी एक मेंटेलिटी बनाई, अपनी एक सोच बनाई, प्रॉपर उसका एक प्लान बनाना, अपना एक गोल सेट किया उन्होंने, और उस चीज से उन्होंने शुरुआत की। महज 2-3 साल के उन्होंने कितनी अच्छी सफलता हासिल की, आज उस कंपनी को लोग खरीदने के लिए 1200 करोड़ रुपए, 1300 करोड़ रुपए ऑफर उनको कर रहे हैं। अब शायद वो कंपनी अमेजोन ने टेक ओवर कर ली है, इतना मुझे कंफर्म नहीं, लेकिन मुझे सुनने में ये आया है। तो सफलता इतनी आसानी से क्यों नहीं मिल पाती, इतनी आसानी से क्यों मिल जाती है, यही उसके पीछे कारण होते हैं। आपकी स्ट्रेटेजी किस तरीके की है, आप सोच किस तरीके से रखते हैं अपने काम के प्रति, काम के प्रति आपका पैशन किस तरीके से है, कितना आप अपने काम के लिए पेशेंस भी रखते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आज आपने काम स्टार्ट किया हो कल आप लखपति बन जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता और किसी के साथ भी ऐसा नहीं हुआ। हाँ, लॉटरी के टिकट में हो सकता है, बाई चांस हुआ, किसी काम में नहीं हो सकता। इसलिए सफलता आपको जल्दी हासिल करनी है
तो आपको अपने काम के लिए बहुत ही जल्दी जल्दी स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगी, प्लान्स बनाना पड़ेंगे बहुत अच्छे, आपको सपने संजो के जो आपने रखे होंगे अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, वाइफ के लिए, बच्चों के लिए, वो सारे सपने आपके पूरे होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, सपने देखने की अगर हमारे अंदर भगवान ने एक कला दी है तो उसको पूरे करने के लिए भी एक कला दी है। एक अच्छा गुण है हमारे अंदर जो हम लोग सपने देखते हैं, और एक अच्छा और गुण होता है व्यक्ति के अंदर जो उन सपनों को पूरा करता है। वो कहते हैं ना कि हर व्यक्ति के अंदर एक अच्छी क्वालिटी होती है जो सबसे हटके होती है। दुनिया का जितना भी व्यक्ति उसके अंदर, हर एक 125 करोड़ लोग हैं भारत में, तो 125 करोड़ में एक अलग ही क्वालिटी है, किसी में सेम नहीं है। बस आदमी की सोच के ऊपर है, वो किस तरीके से सोचता है, अपने काम को किस तरीके से प्लान करता है। अगर आप पढ़ाई भी करते हैं प्रॉपर तरीके से, प्लानिंग से कीजिए, कोई जीवन भर तो पढ़ना नहीं है आपको, 20-22 साल लग के पढ़ लीजिए, मेरी गारंटी आएगी कि जिंदगी के जो 20-22 साल है, शायद आपने उस तरीके के जो सपने देखे नहीं होंगे ना, उससे बढ़ के आपके सपने पूरे होंगे। बिजनेस लाइन में जाना चाहते हैं, बिजनेस की अच्छी नॉलेज रखते हैं, तो उस चीज में जाइए। पढ़ाई कर रहे हैं तो एजुकेशन में जाइए, जॉब करना चाहते हैं जॉब में जाइए, जो आपको करना है जिस चीज में भी आपका इंटरेस्ट है वो काम करिए आप। फिर वो काम आपका है ना, वो काम काम नहीं रहेगा, वो खेल रहेगा। 3 इडियट देखिए ना, वही चीज है। सफलता बड़ी आसानी से भी हासिल हो जाती है, वो इतनी आसानी से भी हासिल नहीं हो पाते। यही दो उसके मेन जो पॉइंट है सफलता के, इतनी आसानी से ही मिल जाती है, बहुत ही आसानी से मिल जाती है कभी कभार, और बहुत जल्दी भी नहीं बन पाती। आपने देखा होगा नए नए लड़के आजकल कितना सारा ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, झट से 4-5-6 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं। शेयर मार्केट में लोग करने हैं जिनको अच्छी नॉलेज है ट्रेडिंग की, वो शेयर मार्केट से पैसा कमा लेते हैं। इनको और भी बिजनेस से आइडिया है, या उनकी जो बिजनेस को चलाने के लिए जो सोच है वो शायद किसी और के पास नहीं, इसलिए उनका बिजनेस सबसे अच्छा चलता है। यही चीजें होती हैं सफलता हासिल करने के लिए, और सफलता नहीं हासिल हो पाती, यही चीजें आपके अंदर होती हैं या आपके आड़े आती हैं। तो ये था दोस्तों मेरा आज का टॉपिक, जिसे मैंने आपको बताया कि सफलता इतनी आसानी से क्यों हासिल नहीं हो पाती, और इतनी आसानी से भी सफलता क्यों मिल जाती है। तो ये कुछ ना कुछ जो कारण होते हैं वो सब आप ही की वजह से होते हैं। अगर आप किसी चीज का एक गोल बना लेंगे, मुझे 1 साल के अंदर ये काम करके दिखाना, तो मेरी गारंटी आप 1 साल के अंदर अंदर ही उस काम को कर लोगे। अगर आप अपने गोल को, सपोज कि आपने 12th एग्जाम के लिए 90% सेट किया हुआ, तो मेरी गारंटी है आप 90 और 80 के बीच में तो आ ही जाएंगे, हालांकि आपके 90% ना आए, कई बार उससे ज्यादा भी आ जाते हैं, ये चीज है। तो इस तरह की सोच रखेंगे, इस तरह की सफलता के बारे में आप अपने बारे में सोचेंगे, और ये मत सोचिए सफलता इतनी आसानी से क्यों नहीं मिलती, इतनी आसानी से ही मिल जाती है, आपकी प्रॉपर प्लानिंग उसको हासिल करने की होना चाहिए। तो ये था दोस्तों मेरा आज का वीडियो, पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर और भी इसी तरह की वीडियो आप मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कमेंट में मुझे लिख के जरूर बताइए कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। तो ये था दोस्तों मेरा आज का वीडियो, नमस्कार, जय श्री राम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।